आश्चर्य है, अन्य वानर इस वायु के वेग को सह भी नहीं पा रहे, परंतु ये वनवासी, ये तुच्छ वानर कंचित मात्र भी पीछे नहीं है। प्रभु, वायु के वेग को मात्र वायु से ही नियंत्रित किया जा सकता है। देवताओं के ये दैवी अस्त्र तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं वनवासी, परंतु अब मैं दानवी अस्त्र असुरक का प्रयोग करूंगा, जो मेरा पक्ष लेगा, मात्र मेरा पक्ष। मैं असुरत शुक्राचार्य का दानवी अस्त्र संपूर्ण सेना को अपना भोजन बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे ना तुम बच पाओगे वनवासी, और ना तुम्हारे हितैषी वानर। ये दानवीय अस्त्र तो हिंसक पशु पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सावधान हो जाओ, ये हिंसक पशु पक्षी हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम भले ही युद्ध न करें, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए इन हिंसक जीवों का अंत तो कर ही सकते हैं। शीघ्र ही रोकना होगा इन हिंसक जीवों को, अन्यथा ये सबको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। किंतु इस दानवी अस्त्र की काट के लिए किस अस्त्र का आह्वान करूं? अस्त्र की काट के बारे में सोच रहे हो ना वनवासी? ये दानवी अस्त्र है, तुम्हारे पास इसकी कोई काट नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी दानवी अस्त्र नहीं है। प्रभु, जिस प्रकार पाप को पुण्य से काटा जा सकता है, अधर्म को धर्म से समाप्त किया जा सकता है, कदाचित उसी प्रकार दानवीय पशु पक्षियों का अंत दैवीय पशु और पक्षी ही कर सकते हैं।
हे समस्त देव एवं देवियों, इस धर्म युद्ध के लिए मुझ रघुवंशी राम को आपके वाहनों की शक्तियों की आवश्यकता है। कृपा करके दिव्यास्त्र के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करें। मेरे सारे दानवी अस्त्र असफल हो गए। रावण का यह विकराल रूप, शीश, बीज बुझाएं। बहुत हो गई क्रीड़ा वनवासी, अब महान रावण की महान लीला देखो। इस पापी रावण की वरदानी शक्तियां कहीं अनर्थ का कारण ना बन जाए। रावण 10 गुना अधिक शक्ति से वार कर रहा है और भैया एकाकी ही इस दुष्ट का सामना कर रहे हैं। भैया ने अपनी सौगंध से मेरे हाथ बांध रखे हैं, अन्यथा भयंकर राम रथ हनुमत पे निरंतर राम कुशलता से प्रतिकारी अचरज महलंकेश भी भारी कोटि प्रहार की रावण दंभी किंतु अतिग रहे बजरंगी देवता भी अचरज से निहारी सेना भी भावुक भई सारी मेरा ये महाप्रहर भी नर और वानर को तनिक भी नहीं टिका सका। इन्हें पीछे हटाने के स्थान पर इनका अंत ही करना उचित होगा। अस्त्र ब्रह्म अग्नि उपस्थित हो। मैं ब्रह्माग्नि, देव दानव मानव हो या कोई भी जीवधारी, मेरे प्रहार से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मदेव की शक्ति से परिपूर्ण यह अस्त्र तो महाघातक प्रतीत हो रहा है, ना जाने अब क्या होगा। इस दुष्ट रावण को तो प्रभु के बाणों से माता तारा देवी ने बचा लिया, किंतु प्रभु श्री राम एवं हनुमान को इस दुष्ट रावण के दिव्य बाण के प्रहार से कौन बचाएगा। तो विडंबना तो ये भी है देवराज,
कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मानव मर्यादा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए ब्रह्माग्नि अस्त्र का विरोध भी नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्माग्नि के वार को सहन करना कठिन ही नहीं असंभव है। सूर्यास्त हो गया है, युद्ध का समय समाप्त हो गया है। सूर्यदेव अस्तांचल की ओर चले गए हैं। शंख बजा देने से यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता मूर्ख वानर। अब यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब इस वनवासी या मुझ रावण से किसी एक का अंत नहीं हो जाता। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो मेरी मृत्यु असंभव है। ये रावण तो अधर्म का आश्रय ले रहा है। युद्ध में विजय एक मात्र धर्म होता है। फिर विजय किसी भी प्रकार प्राप्त क्यों ना हो, वैसे भी रक्ष संस्कृति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। राज सूर्यास्त भी मुझे इस ब्रह्माग्नि अस्त्र को चलाने से नहीं रोक सकता। अधर्म की पराकाष्ठा है यह भ्राता रावण, कुछ तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। और सर्वशक्तिमान की इच्छा ही उसका धर्म होता है। जो इस महान रावण को भाया वही महान रावण ने निभाया। मेरे मन को भाया तो मैं सीता को ले आया। मेरे मन को भाया मैंने कैलाश को हिलाया। मेरे मन को भाया मैंने निषेध पूजा करके माता तारा देवी को बुलाया। मेरे मन को भा रहा है इसी क्षण इन नर वानरों को मिटा दूं, समाप्त कर दूं इसी क्षण इस युद्ध को। और मैं ये करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। अहंकार के अंधकार में ये अपना विवेक भी खो चुका है, भूल चुका है माता तारा देवी को दिया हुआ वचन। मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी
जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा, छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। इतना अभिमान अनुचित है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। माता तारा देवी का क्रोध जागृत हो रहा है। जिस अनर्थ का भय था वो ही होने जा रहा है। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें बनवासी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रावण, अब मेरी कृपा का नहीं रोष का पात्र बनेगा। मेरी सुरक्षा अब रावण को नहीं प्राप्त हो सकती। आपको शत शत नमन माता। इस अद्भुत अलौकिक प्रकाश ने दुष्ट रावण के अस्त्रों को रोक दिया। प्रभु श्री राम की जय, माता तारा की जय, देवी तारा की जय। ये अनुचित है माता। अनुचित कृत्य तो तुमने किया है रावण। रावण, पूर्व में भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, युद्ध में अनीति की तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। मेरी सुरक्षा तो तुमने देख ली रावण, अब मेरे क्रोध का सामना करो। Oh!
एकदम ही रावण ने अपनी मूर्खता से माता के वरदान को भी अभिशाप बना लिया। माता, अधर्म अनिति नहीं त्याग सका रावण, जिसके लिए फल पा रहा है। इतने ही कठोर दंड का पात्र है ये दुष्ट रावण। रावण की ऐसी दुर्दशा अवश्य निषिद्ध पूजा का ही अनिष्ट फल है। अधर्म और अनीति का साथ भला कोई शक्ति कहां तक देती। रावण को अपनी करनी का फल तो भुगतना ही था। ईश्वर कभी भी अधर्म और अनीति का पक्ष नहीं लेते, इसलिए व्यक्ति को कभी भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।